हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बॉडीलिशियस के स्मेटे फाउंडेशन का रिव्यू, जो कि बॉडीलिशियस एक न्यूली लॉन्च ब्रांड है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो इससे पहले रिव्यू जान लेना आपका बहुत जरूरी है कि आपको इसका प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू रहेगा। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊँ, ये कांच की बोतल में आता है, जैसे सीरम की बोतल होती है सेम वैसी सीरम की बोतल टाइप ही आता है। ड्रॉपर फॉर्म में मिला है, इजी टू यूज है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 599 रुपीज प्राइस है और क्वान्टिटी इसमें मिली है मुझे 30 ml की। तो अकॉर्डिंग प्राइस ये मुझे थोड़ा सा प्राइस में आउट ऑफ बजट लगा है। एंड यहाँ पर इसकी कोई भी शेल्फ लाइफ नहीं दी गई है कि कितना टाइम तक ये ठीक रहेगा, बट आई थिंक 2 साल तो सबका होता ही है। बट इसी के साथ साथ इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी वॉटरिंग, थोड़ी सी लाइट वेट एंड रनिंग कंसिस्टेंसी के साथ आता है। वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन इसके अंदर नहीं डाला गया, कोई भी सिंथेटिक कलर कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स के साथ इसे नहीं बनाया गया है। ऐसा कंपनी का क्लेम करना है। बट इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो कुछ लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। और फ्रेगनेंस की अगर बात करूँ तो मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट नॉर्मल है, इतनी बुरी भी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। बट लेकिन इसकी फ्रेगनेंस थोड़ा सा हार्डली होती है, मतलब कि मैं कहूँ कि थोड़ी तेज एंड है। अगर कवरेज की बात की जाए तो बहुत हैवी कवरेज नहीं देता है, बहुत लाइट सी कवरेज देता है। इसके अंदर माइनर से शिमरिंग पार्टिकल है और यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा फोन में से, तो ये ना हल्की सी येलोइश टोन देता है अगर हम इसे फेस पे लगाते हैं, लाइक हमने कुछ येलोइश मेकअप किया है। और आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इसमें, बट मुझे फेस टू फेस देखने के बाद दिखता है कि येलोइश टोन देता है। ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल डेफिनेटली रिकमेंडेड है, बट अगर आपकी स्किन मोर देन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकता है, बहुत केकी केकी सा लग सकता है। मैंने इसे के प्रोडक्ट के साथ मेकअप किया था तो मेकअप लुक तो डेफिनेटली अच्छी आई थी, बट मैंने इसे समर में ट्राई किया था तो समर में ये मेरी स्किन के लिए बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा गया। बट अभी मैं विंटर में इसे एक दो बार ट्राई कर चुकी हूँ तो विंटर के लिए मुझे लग रहा है कि ये नहीं है सुटेबल। बट मैंने इसकी लिपस्टिक ट्राई की थी, वो बहुत बहुत अमेजिंग थी, वाटर प्रूफ थी, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन आई थी। लिपस्टिक डेफिनेटली यू आपको देखनी चाहिए। और जो लिप बाम था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन की, फाउंडेशन के लिए मैं 50-50 एग्री हूँ कि ऑयली स्किन के लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रिकमेंडेड है, बट ड्राई स्किन के लिए हाईली रिकमेंडेड नहीं है। सो गाइज, तो मैंने आपको होनेस्टली बता दिया है कि आपको इसे परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपका है। और मेरी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।